ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर हम कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन की बात करेंगे, जिसको अपन को सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस को या अपन 100 सेल्सियस को या सेल्सियस को अपन केल्विन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्जन करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपके लिए 100 दिया है, तो आपका केल्विन आप क्या लिख सकते हो, केल्विन इक्वल प्लस ये अपना कितना रहता है 2.273.15। अब इसमें जो भी मान दिया रहता है उसको अपन इसमें पुट कर देते हैं सेल्सियस का। तो मान के चलो 100 दिया है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो अपन ने यहाँ इसको सेल्सियस को पुट कर दिया प्लस 273 केल्विन, ये अपना केल्विन इसमें रहता है। तो अपन केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस इन दोनों को क्या करना है अपन को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, इसको सेम ऐड करके देखेंगे जैसे कि किस तरीके से ऐड करते हैं 3.15। पॉइंट के नीचे से नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ से ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3, 7 और 3। तो इसका कितना हुआ 3.15 केल्विन। केल्विन को कभी भी हम इस तरीके से नहीं डिनोट करेंगे, कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रॉन्ग होता है, इस तरीके से नहीं लिखते केल्विन को, इसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हम बी की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, तो इसको के सेम वही इसी तरीके से हमको पुट करना है, वही उसी तरीके से। तो यहाँ पे 273.15, कई जगह 15 नहीं दिया रहता, डायरेक्ट ये ही मान दिया रहता है। तो 25 प्लस 273.15 इसको हम ऐड करेंगे सेम इसी तरीके से, तो कितना हो जाएगा 892.15। मान के चलो अपन 0 को करेंगे, 0 डिग्री इसको ऐड करेंगे अपन सी वाले को, यहाँ दिया हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे अपन, सेम के इक्वल 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.5, इसमें 0 वैल्यू फिट करेंगे अपन प्लस 273.15, तो कितना आएगा 273.15 केल्विन, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में करते हैं अपन कोई मान, जैसे कि अपने लिए माइनस में दे दिया 273.15, इसको अपन को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सेम इसी तरीके से अपन पुट करेंगे और 273.15। केल्विन कभी माइनस में नहीं आता है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अपन -273.15 और यहाँ पे +273.15 इस तरीके से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 केल्विन। तो माइनस में केल्विन कभी माइनस में नहीं आता, तो इसका आंसर कितना होगा 0 केल्विन।